इतना भुगतान क्यों हुआ है, अपराध ज्यादा हो रहे हैं वहाँ जी। घर है और घर पे आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन आज मेरा विशेष यहाँ पर आने का था कि भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज का समाज को अनुसूचित जनजाति मिलाने के उनका सामाजिक शैक्षिक आर्थिक राजनीतिक और भौगोलिक सर्वेक्षण करा रही है। तो आज सर्वेक्षण टीम आपके अलीगढ़ में आ रही है और वो सर्वेक्षण का कार्य गांव-गांव जाकर के बंजारा समाज की स्थितियों का जायजा लेगी, उनके बारे में पता लगाएगी कि बंजारा समाज की वास्तविक स्थिति आज क्या है। आज बंजारा समाज का उत्तर प्रदेश में एक भी क्लास टू ऑफिसर नहीं होना, एक भी एमएलए नहीं होना, एक भी एमएलए एमपी नहीं होना, राज्यसभा लोकसभा नहीं होना, और इतने नौजवान हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको आज रोजगार की समस्याएं हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए और उन बेरोजगारों को भी मौका मिले, बंजारा समाज का जो दीनहीन 72 साल से जो पड़ा हुआ है उनको भी हम मुख्य धारा से जोड़ा है। इस तहत आज टीम यहाँ पर आ रही है। तो समाज कल्याण अधिकारी को मैंने बुलाया था और उनसे कहा कि साहब आपका समाज कल्याण से रिलेटेड मामला है, आप उस टीम के साथ में स्वयं जाइए और गांव-गांव या अपने टीम को लगाइए जहाँ जाए लोग। आज़ादी के 72 साल बाद भी ये लगता है कि बंजारा समाज पिछड़ा ही नहीं अति पिछड़ा है, उसका कारण राजनीतिक भागीदारी से दूर रहा है। आज बंजारा समाज का यदि कोई लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा या विधान परिषद में मेंबर होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। वो अपनी आवाज़ को सदन के माध्यम से कम सरकार को और इस देश की जनता को बता सकते थे। नहीं, मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही उन्होंने प्रयास किया। जब राजनाथ सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का निर्णय लिया कि बंजारा समाज की बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। कल्याण सिंह जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री